ये मदरबोर्ड है, इसमें दिक्कत है, ये चार्जिंग शो कर रहा है, ना तो बैटरी से ऑन हो रहा है, ना चार्जिंग लगाने से ऑन हो रहा है, ओनली एमआई शो करता है। इसकी बीसीआई लाइन शॉर्ट है, देखो ये बीसीआई लाइन पर कोई रीडिंग नहीं आ रही, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, देखते हैं इसके कहां से कहां तक जाती है। ये है न्यू बोर्ड, इसमें देखो बीसीआई लाइन की प्रॉपर रीडिंग आ रही है, रीडिंग यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, और यहाँ ये तो ओके है। अब इसमें देखो यहाँ पे यहाँ पे नहीं आई, यहाँ इसमें दिक्कत है। अगर इसकी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे भी रीडिंग ना आए तो इस आई सी की दिक्कत होती है, और ये आई सी हमें चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं इसको चेंज करके। इस पॉइंट की लाइन सीधी इसमें आती है, ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं, नया लगाएंगे इसको चेंज करके। आईसी रिमूव कर दिया, अब हम इसको चेक करेंगे इसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है, लाइन इसकी जो वीसीआई लाइन है वो आईसी के अंदर कहाँ तक जाती है, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही, अब यहाँ पर हम नंबर लगाएं, को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम न्यू आईसी लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि वीसीआई लाइन पर रीडिंग आई या नहीं आई।
आईसी हमारा लग गया है, अब हम इसको चेक करेंगे कि वीसीआई लाइन आई या नहीं आई। अब हम इसको बजर मोड पर सेट करेंगे, सेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि वीसीआई लाइन पर रीडिंग आई या नहीं आई। ये देखो दोस्तों, रीडिंग आ गई है, बिल्कुल ओके है। अब ये सेट ऑन होना चाहिए, रीडिंग आ रही है और सब कुछ ओके है। अब हम इसको चेक करते हैं बैटरी लगा के, बोर्ड में फिट करते हैं इसको। अब हम इसमें फिट करके चेक करके देखते हैं अभी हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है,